छत्रपति शिवाजी महाराज के काम में बिनती का कोई काम नहीं, मैं शिव भक्त हूँ, पूरा आगरा पूरा उत्तर प्रदेश का प्रशासन आपके साथ है और शिव कार्य में मैं आपके साथ हूँ और छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार पूरे भारत में फैलाने के लिए ये योगी आदित्यनाथ आपके साथ खड़ा है। इतने गौरव उद्गार करे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। भाई और बहनों आपने समझना चाहिए, ये आगरा पूरी नगरी सच चुके छत्रपति शिवाजी महाराज कौन से ऊंचाई के हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे भारत के हैं, उन्होंने दिए हुए विचारों पे हमको चलना है। आदरणीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार इनके और मैं विशेष आभार करूंगा, कल्चरल डिपार्टमेंट को उन्होंने जो सहयोग किया इसीलिए आज यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। और उपाध्याय साहब के बारे में तो आज मंच पे बोलना ही पड़ेगा, कम से कम 10 से 15 बार उपाध्याय साहब ने फोन किया और बोला आपको क्या क्या चाहिए, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। उपाध्याय साहब पूरे महाराष्ट्र की शिव भक्ति की ओर से, हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से मैं आपके विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जाते जाते एक ही बात बोलूंगा, हम आगरा क्यों आए, दो बातें लेके आए हम शिंदे साहब। एक बात, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वाभिमान हमको सिखाया है, ये वही दरबार है जहां मेरे राजा को अपमानित करने का प्रयास किया, यही दरबार में राजा ने बोला छत्रपति झुकेगा नहीं। और जिस दिन राजा को लगा मुझे यहाँ से उड़ जाना है, इन आगरा वासियों के सहयोग से राजा फिर स्वराज में आए। और इसीलिए इन महाराष्ट्र के शिव भक्तों की ओर से मैं आगरा वासियों के आभार मानता हूँ। आपके पूर्वजों ने महाराज को मदद की होगी, महाराज को सहयोग किया होगा, इसीलिए आज शिव जयंती बनाने का पहला अधिकार आगरा वासियों को बनता है। आगरा वासियों के लिए ताली बजाना चाहिए। ये वही दरबार है जहाँ राजा ने बोला मैं